आज का वीडियो है कार्मा पे, जो कि बहुत लोग मानते हैं और मेनली ये ईस्टर्न फिलॉसफी के अंदर आता है, जो कि पता नहीं मुझे कहाँ से ओरिजिन है इसका, बट हिंदूज़ बहुत मानते हैं और तिब्बत नेपाल साइड भी कार्मा बहुत ज़्यादा माना जाता है, लाइक हिंदूज से भी ज़्यादा माना जाता है नेपाल और तिब्बत साइड। तो बट लेट जस्ट डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक। और ऊपर से मेरे को ये पेड़ों का ना बैकग्राउंड बहुत मस्त लग रहा है, तो तुम लोग भी बता देना ये मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो लेट्स डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा एंड व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा इज एक्चुअली बिच। ऐसे बोलते हैं ना, कार्मा इज अ बिच, कार्मा इज नॉट अ बिच, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा इज अ बिच अकॉर्डिंग टू मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कार्मा को अच्छा क्यों समझा जाता है? कार्मा को अच्छा इसलिए समझा जाता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार अच्छी चीज़ तो है, हम लोगों को बोल रहे हैं तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा इसीलिए लोग बुरा नहीं करेंगे, तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा तो लोग और अच्छा करेंगे, राइट? जो कि बहुत अच्छा इंटेंशन है, बट इसके इम्प्लीकेशन सही नहीं है। और क्यों नहीं है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी चीज़ें तुम्हें पसंद है, नॉर्मल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कंप्रेस करना और हर चीज़ को क्वेश्चन करना, क्रिटिकल रहना आपको पसंद है, तो ज़रूर इस चैनल को नीचे ऐसे इधर या इधर सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सो, सबसे पहले तो कार्मा की जब बात आ जाती है तो बहुत टाइम्स पे कार्मा बुरे चीज़ों के लिए के जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ किया गया है, बड़े बड़े चीज़ों में। बट मैं एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लाइक इफ़ आई मैंने रिलेशनशिप किसी के साथ, 4 साल 5 साल का रिलेशनशिप है और मैंने डायरेक्ट ब्रेकअप कर दिया, गोस्ट कर दिया, या फिर मैं ऐसे ही जनरली भी मैं लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता हूँ, और तुम मुझे आके अगर बोल रहे हो कि मुझे ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए या मुझे ये रिलेशनशिप्स में अकाउंटेबल रहना चाहिए, इस तरह से गोस्ट करके गायब नहीं हो सकते हो, ये सब चीज़ें हैं, तो आई कैन जस्ट से कि मैं थोड़ी कोई, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, सब कुछ कार्मा है। तो अगर मैं किसी के साथ चीट कर रहा हूँ रिलेशनशिप में या किसी को गोस्ट कर रहा हूँ, तो शायद उसने भी पहले किया होगा, तभी ना हो रहा है उसके साथ। और फिर दूसरा रीज़न ये आ जाता है कि अगर लोगों के साथ मैं बुरा बिहेव कर रहा हूँ, लोगों को कुछ बुरा मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि शायद उन लोगों ने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, तभी तो मैं उनके साथ बुरा कर रहा हूँ। सिंपल लॉजिक है, कोई भी चीज़ ऐसे डिफेंड कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ मैं मर्डर करके आ जाऊँ और मैं बोलूँगा कर्मा, उनका कर्म ऐसा था कि उनको वो डिज़र्व करते थे मर्डर, इसीलिए मर्डर किया। एंड आई वोंट बी रॉन्ग, इफ़ यू बिलीव इन कार्मा यू हैव टू बिलीव इन माई रीजनिंग, यू हैव टू। अगर तुम कार्मा में बिलीव करते हो और तुम इस रीज़न को बिलीव नहीं करते हो, तो यू आर बींग इनकन्सिस्टेंट विथ योर ओन लॉजिक्स, विच यू शुड नॉट बी। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है, इसके बड़े लेवल पे इंप्लीकेशन देखे जा सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे कास्ट सिस्टम की बात जब की जा रही, तो कास्ट सिस्टम में बहुत लोग इस ये मानते थे कि जो लोअर कास्ट में लोग पैदा हुए हैं, जो कास्ट में लोअर हायरार्की पे आते हैं, वो लोग इसलिए लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं क्योंकि उनका पास्ट लाइफ में कार्मा ख़राब था। और फिर अभी भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग गरीब फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, जो डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, वो लोग इसलिए गरीब या डिस्टर्ब्ड फैमिली में पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनका पास्ट लाइफ में कार्मा सही नहीं था और उनको अपना कार्मा सुधारना चाहिए। बट क्या ये लॉजिक मेरे पिछले लॉजिक से मैच नहीं करता कि आप किसी लोअर कास्ट को राइट्स दिलाने के बदले, किसी लोअर कास्ट पर्सन के राइट्स के लिए लड़ने के बदले, तुम ये बोल रहे हो कि हाँ उसके साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका पास्ट लाइफ में कार्मा गलत था, और तुम जो लोग उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, जो लोग हरास कर रहे हैं, उन लोगों की साइड ले रहे हो, तो क्या ये एक टाइप का सेम चीज़ नहीं हुआ जो मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल में किया कि जो ब्राह्मण्स कर रहे हैं? ब्राह्मण्स लोअर कास्ट लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं और बस ये बोल रहे हैं कि हाँ पिछले जन्म में इनका कार्मा बुरा था इसलिए हम इस जन्म में हम बुरा कर रहे हैं,
इज़ इट नॉट द सेम थिंग? तो पिछले वाले चीज़ में आप लोगों में से बहुत लोगों ने अग्री नहीं किया होगा कि पिछले में मैं रीज़न सही दे रहा हूँ, तो इस बार ये रीज़न सही क्यों लगता है बहुत लोगों को? और ये सिर्फ कास्ट सिस्टम में नहीं होता है, ये अभी भी यूज़ होता है कि लाइक गरीब फैमिलीज़ हैं या कोई फैमिलीज़ हैं जिनके रिसोर्सेज छीन लिए गए हैं साइक्लोन्स के चलते या फ्लड्स के चलते, पूरा क्या कहते हैं, पूरा उनका प्रॉपर्टीज़, उनके घर बह चुके हैं, तो उनको हेल्प करने के बजाय लोग, बहुत लोग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत कम लोग, बहुत लोग बस ये कहते हैं कि हाँ कार्मा, पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा तभी तो। और ऐसे ही देखो, अगर गवर्नमेंट हो, अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं कहीं का CM हूँ, तो आई कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। मैं बातें घुमा घुमा के कर्मा पे ला दूंगा। आप मुझे आके बोलोगे कि फ्लड रिलीफ के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा उनका कर्मा खराब था। मैं डायरेक्टली ऑफकोर्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि डायरेक्टली बोलूँगा तब तो लोग पकड़ लेंगे कि अकाउंटेबिलिटी से मैं और भाग रहा हूँ। बट अगर मैं इनडायरेक्टली घुमा फिर आके कैसे भी तुम्हारे दिमाग में ये डाल दूँ कि उनका कर्मा खराब था इसीलिए उनके साथ खराब हो रहा है, तो आप लोग भी मुझे फ्लड रिलीफ के लिए अकाउंटेबल होल्ड नहीं करोगे। आप लोगों को ये चीज़ें मैं बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, मतलब 2 या 3 मिनट के अंदर बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इलॉजिकल है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बट अगर वही चीज़ मैं आधे घंटे के स्पीच में घुमा फिरा के कनेक्शंस बताऊं, तो आई कैन बी रिलीव फ्रॉम एनी अकाउंटेबिलिटी इफ़ आई हैव टू बी जस्ट अ गुड ओरेटर। मुझे बस बोलना आना चाहिए, मुझे बस सही से लिखना आना चाहिए, और मैं कोई भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी अवॉइड कर सकता हूँ इस कर्मा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो ये कार्मा का कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत डेंजरस है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा इज़ अ बिच, कार्मा इज़ नॉट अ बिच। अब इसके बाद हम इसके लॉजिकल चीज़ों के बारे में और मोरल चीज़ों के बारे में भी बात कर लेंगे। आई होप मैंने इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझाने में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं की है, स्लोली ही समझाया है, और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्लियर होंगे। अब हम इसके लॉजिकल इम्प्लीकेशन की तरह चलते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं कार्मा के लॉजिक को और इसके लॉजिकल फैलेसिस को। जैसे एक बहुत फेमस लॉजिकल फैलेसी जो कार्मा में देखा जा सकता है वो अनफॉल्सिएबल स्टेटमेंट, कि कार्मा का जो स्टेटमेंट है कि जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, जो अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये अनफॉल्सिएबल है, इसको आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ये गलत है, ये ऐसा स्टेटमेंट है। और अगर इसको पास्ट लाइफ ले लिया जाए तब तो प्रूफ के बियॉन्ड है। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसको गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता उसको सही प्रूफ करना भी इम्पॉसिबल है, बहुत बेसिक लॉजिक है अनफॉल्सिएबल। और ये अनफॉल्सिएबल कैसे है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि यार देख मैंने तो इतना गलत गलत काम किए हैं फिर भी मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, बहुत कुछ है, मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ नहीं है, तो तुम मुझसे क्या बोलोगे कि देखते रह बेटा अभी वक्त आएगा तेरा, बाद में होने वाला है। वो बाद में कब आएगा वो तुम्हें भी नहीं पता और तुम बोलोगे भी नहीं, बस बाद में आने वाला है, कब आने वाला है पता नहीं। तो और बाद में जब मेरे साथ कुछ भी गलत होगा, जो कि या फिर बहुत टाइम बस नेचुरल चीज़ों के चलते हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है जो कि बहुत लोगों को नॉर्मली होता है, कैंसर हो सकता है, और जब भी वैसा होगा तो तुम पॉइंट करने आ जाओगे कि देख कार्मा के चलते हो रहा है ना। और वैसे ही अगर कोई आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बहुत नेक दिल का इंसान है, बहुत सोशल सर्विसेज करता है, बहुत कुछ करता है, वो सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसेस करता है, अगर उसको कैंसर हो गया, उसके साथ अगर कुछ हो गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी के चलते अफेक्ट हो गया, और मैं आपको पॉइंट करूं कि यार इसके साथ देखिए कितना अच्छा आदमी था, ये तो कितना नेक दिल इंसान था और इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम मुझसे क्या बोलोगे, से बोलोगे कि इसने पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया होगा इसीलिए इसको इस लाइफ में अच्छा नहीं मिल रहा है, देखना इसके ये लाइफ के जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में मिलेगा। या फिर अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं भी मानते हो तो भी आप ये बोलोगे कि अभी देखते रहे बेटा, अभी वक्त आएगा, कब आएगा वो वक्त, ना आप जानते हो, ना आप प्रूफ कर सकते हो, ना कोई किताबों में लिखा है। ये वाले सिचुएशन में जिसमें एक अच्छा इंसान है, उसको बहुत ही सही था, उसको कैंसर हो गया, एंड देन अगर वो थोड़ा भी सही हो गया, लाइक कैंसर से तो अगर बच गया, इनकेस अगर ठीक हो गया, या फिर उसकी लाइफ थोड़ी सी एलोंगेट हो गई, मतलब जैसे डॉक्टर ने बोला था 6 महीने जी पाएगा बट वो 2 साल 3 साल जी रहा, जो कि काफ़ी नॉर्मल है, होता है ऐसा, पर आप एकदम पीछे पड़ जाओगे, देखा मिरेकल, अच्छा आदमी था इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है,
अच्छा आदमी था तो उसको कैंसर ही नहीं होना था ना पहली बात। आप कैंसर दे के फिर क्योर करके बोल रहे हो कि अच्छा आदमी था इसीलिए तो क्योर हो गया। नहीं, क्योर इज़ नॉट गुड, कुछ बुरा नहीं होना इज़ गुड ना, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इसीलिए पूरा ये सब लॉजिकल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं अनफॉल्सिएबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट, यूनिकॉर्न्स हम सब जानते हैं ना, यूनिकॉर्न्स और परी, दे एग्जिस्ट। तो और मैं आपको बोलूँ अच्छा इफ़ दे डोंट एग्जिस्ट तो प्रूफ करके बताना डोंट एग्जिस्ट, यू कांट। अगर आप पूरे अर्थ का भी कोना कोना छान लो, जो कि इम्पॉसिबल है करना, अर्थ का एक एक कोना, एक एक पार्ट, एक एक घर छान लो, तो भी आपको अगर यूनिकॉर्न नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलोगे स्पेस में कहीं पे तो इन्वेस्ट करते एग्जिस्ट करते ही होंगे। तो क्या इस लॉजिक से मैं मान लूँ कि यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट और फेरीज एग्जिस्ट? नहीं मान सकता ना। ये चीज़ें होती हैं अनफॉल्सिएबल स्टेटमेंट, और इसको हमेशा यूज़ किया जाता है बार बार। ये जो स्टेटमेंट को आप फॉल्स नहीं कर सकते हो, वो स्टेटमेंट को आप ट्रू भी प्रूफ करना इलॉजिकल होगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लॉजिक की बात आ गई। इसके बाद मोरालिटी पे आते हैं लोग बहुत ज़्यादा, कि लाइक फिर अगर ये कार्मा का कॉन्सेप्ट अगर फेक प्रूफ हो गया, लाइक अगर हम सबको बोलने लगे कि यू डोंट बिलीव इन कार्मा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर बहुत डेंजरस नहीं हो जाएगा सोसाइटी के लिए? अपना सोसाइटी बहुत डेंजरस हो गया, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को डर ही नहीं रहेगा कुछ होने का। बट पहली बात तो अगर आप ये सोच के कुछ अच्छा करते हो कि आपके साथ फ्यूचर में अच्छा होगा, तो आप अच्छे थोड़ी ना हो। ये तो बिजनेसमैन भी करता है ना, इसको तो बिजनेस बोलते हैं, इसको तो धंधा बोलते हैं, इसको तो काम बोलते हैं, कि आप किसी के साथ इसलिए अच्छा कर रहे हो ताकि फ्यूचर में अच्छा हो। हम ही लोगों को बुरा करते टाइम ये सोचते हुए देखा है कि यार मैं बुरा करूँगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा, तो इसीलिए नहीं करता हूँ। बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, और जो लोग ये चीज़ सोचते भी हैं वो लोग, मुझे नहीं लगता जो आदमी इतना सोच रहा है वो आदमी ऐसे भी बुरा करेगा अगर वो कर्म में नहीं मानेगा तो। और दूसरी बात, क्या अच्छा क्या बुरा, वो अलग ही डिबेट है। बट द मेन थिंग इज़ कि कार्मा का कॉन्सेप्ट के जितने गुड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, उससे ज़्यादा बैड इम्प्लीकेशंस हैं, समझ रहे हो? एंड वी शुड स्टॉप प्रमोटिंग दिस कार्मा का, जो बुलशिट बोलना चाहता हूँ मैं मुझे कोई और वर्ड मिल नहीं रहा है, वोकैबुलरी थोड़ा कमज़ोर है। वी शुड स्टॉप प्रमोटिंग दिस कार्मा बुलशिट, ठीक है? सो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और भी कोई टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं, या फिर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं जो मेरे आर्ग्यूमेंट के आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाएं, या काउंटर आर्ग्यूमेंट जो मेरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर करें, तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर देना, पर सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है? बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है कैजुअली क्रिटिकल, उसको भी फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी छोटे छोटे रील्स ये सब होते हैं पॉपुलर, उनको रिप्लाई करता रहता हूँ।